ऑलराइट डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर YouTube चैनल थरूर इंग्लिश विद कादिम अकील। और आज का जो हमारा ये डेटा मैंने कहा था फोर्थ वीडियो है, और इससे लास्ट वीडियो में हमने अदर अनदर ईच अदर ये डिटरमिनर शुरू किए थे और उसके बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अदर का यूज़ कब करते हैं, अनदर का यूज़ कब करते हैं, क्वेश्चन देखें। तो देखिए, अदर का यूज आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, द अदर का यूज आप प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के साथ करते हैं। अदर का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन जो जनरल हो, अनदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो जनरल हो, और द अदर का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के साथ, पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक और डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। फिर अदर्स का यूज आप करते हैं एज ए सब्जेक्ट और नाउन, एज ए सब्जेक्ट जब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो अदर्स, और द अदर्स का यूज करते हैं। ऑलराइट सर, नाउन का भी यूज हो सकता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हाँ नाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता ही है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड नाइन क्वेश्चन द लास्ट वीडियो, आई हैव टू फ्रेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? आवर टीम वाज आउटप्लेड बाय आउटप्लेड इन द मैच by dash team। अब आप देखो, our team was outplayed in the match by dash team। अब आपने बाबू यहाँ पे team लिखा, ये singular countable noun है, तो other का तो use नहीं कर पाओगे क्योंकि other का use आप plural countable noun के साथ करते हो। Now you are अच्छा, अब ये है noun, तो यहाँ पर subject object की भी जरूरत नहीं है। अब आपके पास दो option है, एक another और एक the other। Another का use आप singular countable noun general में, the other का use plural countable noun specific। अब आप बताइए, दो टीम जब मैच होता है तो मैच में दो टीमें खेलती हैं, अगर आपकी टीम ने आउटप्लेड कर दिया तो जो दूसरी वाली टीम होगी, टीम ए आपकी है, टीम बी दूसरी है, अगर आपकी टीम अच्छा खेली तो दूसरी वाली टीम डेफिनेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। दादर आ रहा है बाय द अदर टीम, ठीक है। एक सवाल और देखिए, एक सवाल यहाँ देखिए, वुड यू लाइक to have cup of tea लिख ले, would you like to have cup of tea। अब बाबू यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपने cup of tea लिखा, cup singular countable noun है पूरा, cup of tea, ठीक है। अब आप किसी से पूछ रहे हो तो other तो आएगा नहीं, अब the other और another आएगा इसमें, ठीक है। अब ये कोई specific cup है, वो तो आप किसी से पूछ रहे हो तो एक चाय पी ली होगी, अब दूसरे के लिए पूछ रहे हो another another cup of tea, ठीक है। सर another क्यों आया सर? दादर भी तो सकता था, मैं बता रहा हूँ बाबू, कोई specific cup of tea है? नहीं। अगर Dalgona लिखा होता, would you like to have Dalgona, कोई specific cup of tea लिख देते। Dalgona coffee या कोई cup of tea specific, अच्छा, तब दादर आ जाता। ये तो एक general की बात चल रही है। अब आप देखो बाबू, यहाँ पर जो है आप something additional के लिए use कर रहे हो, मतलब उसने एक कप ऑफ टी थी, इसको पी लिया, अब आप उससे पूछ रहे हो कि दूसरी पियोगे, तो आप यहाँ पर एडिशनल के लिए यूज करो, तो यहाँ पर अनदर समथिंग एडिशनल वाली फीलिंग दे रहा है, अब मीनिंग कन्वे कर रहा है कि आप एक और कप ऑफ टी लोगे। तो अब मैं जो बात बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अदर अनदर और द अदर का यूज करते हो सिंगुलर मतलब काउंटेबल नाउन के साथ, उस केस में ये नाउन एडिशनल वाला मीनिंग, मतलब ये डिटर्मिनर एडिशनल वाला मीनिंग कन्वे करते हैं, मतलब कुछ हो गया, कुछ है उसके एडिशन में कुछ और, आप जब पूछते हो तो वो वाला मीनिंग कन्वे करते हैं ये अदर अनदर और द अदर। अब आप इससे पूछोगे वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो मतलब क्या होगा कि एक कप ऑफ टी वो पी चुका होगा, अब आप उसे दूसरे के लिए पूछ रहे हो। अगर ऐसा ना होता कि एक कप ऑफ टी उसने चाय पी ही नहीं होती, तो क्या आप अनदर का यूज कर पाते? फिर तो नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि अनदर का यूज, द अदर का यूज और अदर का यूज आप तब करते हो जब आपको कुछ एडिशनल के लिए इंट्रोड्यूस कराना हो, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो, ठीक है। अब यहाँ पर अब उसने चाय पी लिए, तब आप अनदर का यूज कर पाओगे, ठीक है। एक और देखो, ऑल राइट,
अब फिर से ऊपर से शुरू करते हैं और ये संभल के देते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको मिटा देते हैं, इसको पूरा मिटा दें और फिर हम शुरू करते हैं। अब देखना बाबू इसको, एक देखना बाबू, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, माई फ्रेंड इज अ स्टूडेंट, माय फ्रेंड इज अ स्टूडेंट। ये देखो मैं आपको लिख देता हूं, माय फ्रेंड्स आर स्टूडेंट, ये लिखा हूं। वैसे तो नहीं, आपने लिखा माय फ्रेंड इज अ स्टूडेंट, बाबू आपका एक दोस्त है वो स्टूडेंट है, सेंटेंस ये रहा, मतलब दोस्त एक था और वही स्टूडेंट है। फिर आपने लिखा माय फ्रेंड्स आर स्टूडेंट, मतलब दोस्त बहुत सारे हैं, जितने भी दोस्त हैं वो सबके सब स्टूडेंट हैं, सेंटेंस ये रहा। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन ओवर हियर, कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से कोई एक स्टूडेंट है, मतलब दोस्त बहुत सारे हैं उनमें से कोई एक स्टूडेंट है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, माय आवर फ्रेंड इज अ स्टूडेंट, मतलब दोस्त बहुत सारे हैं लेकिन स्टूडेंट कोई एक है, तो माय आवर फ्रेंड इज अ स्टूडेंट। लेकिन आप देखोगे ये वाला सेंटेंस तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, इसकी वजह सुनो, कि यहाँ पर आपने फ्रेंड नाउन लिखा, ये सिंगुलर पार्टिसिपल नाउन है, इसके साथ आपने आर डिटरमिनर का यूज कर दिया, ए और एन का यूज आप तब करते हो जब प्रोनाउन इंडेफिनिट हो या वन वाला मीनिंग करना चाहता हो, और जब आपने आर डिटरमिनर का यूज कर दिया तो ये फ्रेंड नाउन इंडेफिनिट हो गया, और फिर आप माय पजेसिव डिटरमिनर का यूज कर रहे हो तो ये नाउन डेफिनिट हो जाएगा, ये नाउन डेफिनिट हो गया, जब आ का यूज किया तो इंडेफिनिट हो गया, और जब माई का यूज किया तो डेफिनिट हो गया, माई पजेसिव डिटरमिनर रिलेशन दिखाता है, पजेशन हो गया एक तरीके का, ये रिलेशन है यहाँ पर। तो अब ये सेंटेंस हो गया गलत, लेकिन आपका क्या था, बाबू दोस्त बहुत सारे थे उनमें से कोई एक आपका स्टूडेंट था, कोई एक दोस्त स्टूडेंट है, तो वो हमें सेंटेंस ऐसे लिखना चाहिए था, माई अ फ्रेंड इज अ स्टूडेंट, लेकिन ये सेंटेंस हो गया गलत। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, बाबू वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट। देखो बाबू आपने यहाँ पर वो जो एक दोस्त है बहुत सारे दोस्तों में से माई फ्रेंड्स लिख दिया, तो ये टोटल हो गया, ये हो गया टोटल, टोटल बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से कोई एक स्टूडेंट है, तो वो वन आपने यहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिख दिया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ स्टूडेंट। डिड यू गेट इट, वेरी गुड। अब आपको बताए बाबू कि जो वन जो है ए है, जो वन की वीकर फॉर्म है, मतलब ए इज अ वीकर फॉर्म ऑफ वन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आ फ्रेंड मतलब देखो ना वन की जगह यूज किया फ्रेंड की जगह, तो वन की जगह मैं आ यूज कर सकता हूँ, आ फ्रेंड ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर आपको माई फ्रेंड्स, इस माई फ्रेंड की जगह अगर आप एक प्रोनाउन लिखोगे तो वो मी लिखोगे या माइन लिखोगे, माइन लिखोगे, और बाबू ये जो माइन है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ऑफ प्रीपोजिशन के बाद कभी भी टोटल लिखोगे तो वो जो टोटल है हमेशा पजेसिव केस ही दिखाता है, पजेसिव केस, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ऑफ प्रीपोजिशन के बाद कभी टोटल लिखना है, बाबू यहाँ पर एक बहुत सारे दोस्त थे उनमें से कोई एक दोस्त जो है स्टूडेंट था वो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, एक दोस्त ठीक है वो डेफिनेटली था, अब आपने ऑफ थ्री पोजीशन का यूज कर लिया, अब आपको टोटल लिखना है, तो जब आप ऑफ थ्री पोजीशन के बाद टोटल लिखते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पजेसिव केसेस दिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं दिखाते, ऑब्जेक्टिव केस टोटल नहीं दिखाते। तो आ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, वो दोस्त बहुत सारे उनमें से कोई एक स्टूडेंट, ये चीज आपके समझ में आई, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी आपको टोटल लिखना हो तो आप किसका यूज करोगे, माइन का नहीं, पजेसिव केस का, माइन भी पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव केस है पजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, लेट्स रफ इट, फिर तुम तो वीडियो से भी देखते हैं, पोस्टर भी लिखते हैं ना, ऑल माइन, ये अच्छी बात है, एक मिनट बस हो गया, नेक्स्ट पर आंसर बिग कर जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी मिलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बाबू अब मैं जो बात बता रहा हूँ दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है और इसको आप जरा देखना, देखना माई अनादर ब्रदर इज एन एडवोकेट, माई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माई अनादर ब्रदर इज एन एडवोकेट, ऑल राइट बाबू। अब आप एक चीज देखो, अभी आपने देखा था, इधर देखो, अभी आपने देखा था कि जो माई था, माई के साथ मैंने आ का यूज किया तो गलत हो गया था, माई के साथ मैंने दा का यूज किया तो गलत हो गया था, माई के साथ मैंने एन का यूज किया तो गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था बाबू? माई है पजेसिव केस का डिटरमिनर, ये किसी नाउन को डेफिनेट बना देता है, ए एन द ये है आर्टिकल, ये भी डिटरमिनर है, इनका यूज आप तब करते हो किसी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर दैट नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। फिर मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि माई भी ग्रुप फर्स्ट का डिटरमिनर है और आर्टिकल भी ग्रुप फर्स्ट के डिटरमिनर है, ग्रुप फर्स्ट के दो डिटरमिनर एक साथ एक यूज नहीं होते क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एक नाउन को एक तरीके से कर सकते हो, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप एक चीज देखो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबू, जब आप अनादर लिखते हो, अनादर तो अनादर का मतलब होता है एन प्लस अदर, अनादर मतलब क्या होता है एन प्लस अदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन प्लस अदर, एन मतलब बाबू वन, ठीक है, वन और एनी। अब बाबू आपने यहां पर लिखा, इधर देखो, ब्रदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा, क्या लिखा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा, इसके साथ आपने माई पजेसिव डिटरमिनर का यूज कर दिया, किसका यूज कर दिया? माई पजेसिव डिटरमिनर का। अब फिर आपने अनादर का यूज कर दिया, किसका? अनादर का यूज कर दिया, अनादर मतलब एन प्लस अदर। अब ये एन क्या दिखाएगा? इनडेफिनिटनेस, क्या चीज? जेनरलिटी दिखाएगा, लेकिन अब माई का यूज कर रहे हो, माई का यूज करते हो तो आपने ब्रदर को डेफिनेट कर दिया, और जब आप अनदर लिख रहे हो तो अनदर मतलब एन प्लस अदर, ये तो इनडेफिनिट बना रहा है, तो ये गलत हो गया, नहीं हो गया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया गलत। अब बाबू देखो यहां पर आप क्या लिखोगे, माय अदर ब्रदर इज एन एडवोकेट, माय अदर ब्रदर इज एन एडवोकेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू? देखो ही कोई एक इंसान है, भाई है, उसके दो भाई है, एक ए और एक बी, ठीक है, उसका एक भाई मान लो कि ये इंजीनियर है और ये दूसरा भाई उसका एडवोकेट, मतलब उसके एटलीस्ट दो भाई होंगे, उसके एटलीस्ट दो भाई होंगे, कुल मिला के वो कितने भाई होंगे? तीन भाई, कुल मिला के वो तीन भाई होंगे। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अदर का यूज नहीं करते, अदर का यूज तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हो, नहीं। अब आप ये भी बात याद रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप अदर का यूज कर सकते हो, कब? जब उसके साथ पजेसिव डिटरमिनर लिखा हो, क्या लिखा हो? पजेसिव डिटरमिनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको लिखता हूं बाबू देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब? यदि पजेसिव डिटरमिनर हैं, माई हो गया, माई हो गया, अवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, योर, देयर हो गया, योर हो गया, बाबू ये है पजेसिव डिटरमिनर। अगर कभी इनके साथ आपको कोई दूसरा डिटरमिनर यूज करना पड़े, अनादर, अदर और द अदर, तो किसका यूज करोगे हमेशा? अदर का यूज करोगे, किसका? अदर का यूज करोगे। डिड यू गेट इट? अगर ये डिटरमिनर लगे हुए पजेसिव के साथ, किसका यूज करोगे? अदर का, ठीक है। तो माई लिखा हुआ था, माई पजेसिव डिटरमिनर है, इसके साथ नाउन लिख दिया तो अनादर लिखोगे या अदर? दादर लिख पाओगे? माई दादर, फिर गलत हो जाएगा। बाबू दादर लिखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि दा का यूज करोगे तो बाबू दा का यूज भी डेफिनेट बनाने के लिए करते हो, और माई पजेसिव डिटरमिनर को खुद डेफिनेट बना दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन क्या है? अदर का। डिड यू गेट इट? वेरी गुड बेटा, शाबाश। एक मिनट सर, एक मिनट चाहिए।
एक शेर सुनाना चाहता हूँ। नहीं बात करा वही ना वो है, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शब पे घर ही रोका करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। ठीक है, फिर बशी भाई साहब का कहते, ये नए मिजाज का शहर है, अभी याद नहीं आ रहा, भूल गया। ये नए मिजाज का शहर है, फासलों से मिला करो, कोई हाथ भी ना लगाए, मिलाएगा जो गले लगोगे टपाक। ऐसा कुछ है बशी भाई साहब, बहुत प्यारा बहुत। All right, तो ये चीज समझ में आ गई। पर दैट इज के साथ आप किसका यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ अदर का, चाहे नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो, डोंट गिव अ डैम, यूज ओनली अदर। ठीक है, चलो देखो जरा बाबू एक सवाल। आई हैव अ फोन, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं। आई हैव नो फोन, समझ में आ गई। मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं। अब जरा ये देखना, आई हैव नो आफून, नो आफून, मेरे पास एक फोन नहीं। पर नो मतलब और आ मतलब वन, ये क्या वाहियात बात करने बोल रहे। आई हैव नो आफून, अरे मेरे पास एक मोबाइल है, ये रहा मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं है, आई हैव नो आफून, ये कोई बात हो रही है, ये गलत है। ये चीज आपकी समझ में आ रही है, सही है भी तो सकता है। आई हैव, मेरे पास एक मोबाइल नहीं है सर, उसका तो मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। ठीक है, और उसका मेरे पास कोई मोबाइल है, अरे भाई मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं है, मेरे पास एक जीरो एक मोबाइल है, तो कोई बात हुई। दो का मतलब एक भी नहीं और आ का मतलब मन, जीरो एक कोई बात हुई याद बात। ये सेंटेंस ये दोनों ठीक है। अब आप एक चीज देखो बाबू, अभी मैंने आपको बताया, इधर सुन लो बाबू, जहां जहां आप ए एन और दा का यूज नहीं कर सकते, जहां पे जिन सेंटेंसेस में ए आप ए एन और दा का यूज नहीं कर पाओगे, वहां पर अनादर का यूज भी नहीं कर सकते आप। ये बात आप मेरी समझें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस सेंटेंस में ए एन और दा का यूज नहीं कर पाओगे आप, वहां पर अनादर का यूज भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अनादर का मतलब क्या होता है, एन प्लस अदर, एन प्लस अदर। डिड यू गेट इट? जहां जहां ए एन दा का यूज नहीं कर पाओगे, वहां अनादर का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अनादर में एन होता है। तो मैं इसको आई हैव नो अनादर फोन लिख पाऊंगा क्या? मैं लिख सकता हूं क्या इस सेंटेंस को? अगर मैं ऐसे लिखूं, आई हैव नो अनादर फोन, तो क्या सेंटेंस ठीक होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, ये गलत होगा। क्यों? आई हैव नो अनादर फोन, ये तो गलत है। नो अनादर फोन, ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया, जहां जहां आप ए का यूज नहीं कर पाओगे, एन का यूज और दा का यूज नहीं कर सकते, वहां अनादर का यूज भी नहीं कर सकते। देखो, आई हैव नो अनादर फोन गलत हो गया था, तो इसी वजह से ये भी गलत। आई हैव नो अदर फोन हो सकता था क्योंकि, वेरी गुड वेरी गुड, वही तो मुझे बताना है बाबू। नो क्या है? ये है डिटर्मिनर, न्यूमेरल डिटर्मिनर है। क्या चीज? न्यूमेरल डिटर्मिनर। ऑल राइट, अब देखना बाबू, एक सवाल देखो। नो डैश स्टूडेंट ऑफ डैश फ्रेंड ऑफ एन इज एज इंटेलिजेंट एज अलीना। अब बाबू वही ऑप्शन है आपके पास, अदर अनादर और दादर। नो फ्रेंड ऑफ एन, बाबू अब आपने नो लिख दिया, ये डिटर्मिनर लिख दिया न्यूमेरल वाला, तो अब आप यहाँ पर अनादर का यूज पर पावर नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पर अदर का ही यूज करना है, नो अदर फ्रेंड ऑफ आयान। जहाँ भी नो का यूज होगा वहाँ अदर का यूज करना। हाँ, तो मैं कुछ लिखवा देता हूँ बाबू, इधर देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बाबू, अगर कहीं ये डिटर्मिनेंट्स लिखे हों, नो सम many, क्योंकि ये numerals हैं, numeral वाले determiner हैं। सही है, आयान के बाद is as intelligent as Alina, few, most, several, various, ये countable noun के determiner हैं। अगर इनके साथ कभी भी आपको कोई उनमें से determiner use करना पड़े, देखो तो इनके साथ कभी भी another का use नहीं करना, the other का use नहीं करना, सिर्फ करना किसका यूज है? अदर का।
किसका यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो वहां पे आपने लिखा जो लिखा था जो कुंजी वाला है, याद रखना। मोस्ट के बाद क्या लिखा है? हाँ? मोस्ट के बाद सेवरल, सेवरल और ये फिर बैरियर, इनके साथ भी आप अदर का ही यूज किया करो। अब एक मिनट रुक जाइए, आप देख लो। चलो फिर कुछ और सवाल देखते हैं। आई हैव लेन द अनदर स्कूटर टू वन ऑफ माई फ्रेंड। Lent the another scooter to, so lent के क्या मतलब होगा? Lent मतलब दे देना किसी को, कुछ पर टाइम यूज करने के लिए, to one of my friend। अब आप देखो बाबू, I have lent, यहाँ पर आपने other the का यूज किया, the क्या है, definite determiner है, फिर आपने इसके साथ another का यूज कर दिया। another मतलब and plus other, and plus other, तो ये indefinite हो गया। अब आप इसके साथ क्या दा के साथ अनदर लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं लिख सकते, यहाँ पे अदर ही लिखना पड़ेगा, दा अदर। एक सवाल और देखो, दा के साथ अनदर भी यूज नहीं कर पाओगे, दा के साथ ए का यूज कर पाओगे? नहीं। अभी मैंने बताया जहां जहां आप दा ए और एन का यूज नहीं कर सकते वहां पर अनदर का यूज नहीं कर सकते, तो दा अदर लिखो। फिर देखना The rich man donated other half of his property to the charity. The rich man donated other half of his property to his charity. Say for example, मान लो कि एक rich man की property है 100 crore की है, ठीक है, 50 crore उसने बचा के रखी है, 50 crore की चैरिटी को दे दी, टोटल कितना था 100 crore। तो बाबू अब ये जो हाफ हो गए ये डेफिनेट हो गए नहीं हो गए? अब हाफ लिख दिया बाबू, हाफ थ्राइस ही डेफिनेट होते हैं, तो अदा अदर लिख दो, ठीक है। हाफ दो ही होते हैं किसी भी चीज के, ठीक है, 50 मान लो 100 crore की थी तो 50 crore बचा ली, तो 50 crore उसने चैरिटी को दे दी, वो डेफिनेट हो गया, हाफ हमेशा डेफिनेट होता है। He was shifted to some another hospital in the city. बाबू आपने सम का यूज किया है यहाँ पर, सम के साथ कभी अनदर का यूज नहीं करते, अदर। और एक बात और याद रखना, सम के साथ countable noun plural form में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने hospital को singular form में लिख दिया, ये ठीक है सम के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस वाली बात को यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि अभी तक सर आपने पढ़ाया कि सम के साथ सम बॉय लिखते हैं, सम बॉय गलत होता है, सम बॉय ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल लिखा हुआ उसके और सम लिखा हुआ है, तो हॉस्पिटल लिखा हॉस्पिटल होना चाहिए, ये है ठीक, बिल्कुल इसी बात को आगे थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, कि कब सम के साथ countable noun plural form में आएंगे और वहाँ पर सम क्या मीनिंग कन्वे करेगा, और सम के साथ अगर हम countable noun singular form में लिखेंगे तो वहाँ पर सम क्या मीनिंग कन्वे करेगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Let's see. All right. इसको
देखना बाबू, he has some doubt, he has some doubts. बाबू अभी तक हमने आपको इतना पढ़ाया कि जो सम होता है, सम के साथ जो countable noun होते हैं वो हमेशा plural form में आते हैं, तो सम बॉयज ठीक होता है और सम बॉय गलत होता है. क्यों? क्योंकि बॉय सम बॉय गलत होता है. क्यों? क्योंकि सम के साथ plural countable noun plural form में आते हैं, मतलब countable noun plural form में आते हैं. अब ऊपर देखो, he has some doubt, he has some doubt. यहाँ पर भी आपने डाउट लिखा, यहाँ पर भी डाउट लिखा, आप इसके हिसाब से तो ये ठीक हो जाना चाहिए, ये गलत हो जाना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ही ठीक है. अब आप फर्क समझे, आप सम के साथ काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर सम जो है वो डिटर्मिनर ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है. और जब आप सम के साथ countable noun plural form में लिखते हैं तो वहां पर सम डिटर्मिनर ऑफ नंबर होता है. अब इस बात को तो हमें समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनर ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनर ऑफ नंबर. एक बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ एग्जांपल मान लो कि आप जो है किसी दोस्त से बात कर रहे हो कॉल पर, फिर क्या हुआ कि आपको छोटा भाई आया और मतलब मान लो लेट से फॉर मोमेंट के वो दोस्त का नाम आयान, उस दोस्त का नाम आयान है. अब आपका वो दोस्त काफी गहरा दोस्त है, लेकिन आपके छोटे वाले भाई को पता नहीं है कि आयान कौन है आपका. ठीक है, तो अब मम्मी ने आपको आवाज़ दी, आपने तो सुना नहीं, लेकिन भैया ने सुन लिया. अब भैया ने मम्मी को जाके बोल दिया कि ही इज टॉकिंग टू सम आयान. अब बाबू यहाँ पर सम आयान का मतलब क्या हो गया, ये जो आयान है वो इंडेफिनिट है भैया के लिए और मम्मी के लिए, कोई एक आयान है जिससे वो बात कर रहे हैं. अब वो आयान कौन है वो भाई जानते हैं, मैं और मम्मी नहीं जानते. ठीक है, मतलब जो भैया ने जो बताया है, तो वहाँ पर सम अयान, वहाँ पर सम जो है वो अयान को आइडेंटिफाई करना है जनरल सेंस. गेट इट? आप ये बात भी समझे कि सम के साथ आप काउंटेबल नाउन सिमिलर फॉर्म में भी लिख पाते हो बेटा, लेकिन वहाँ पर सम जो है वो आइडेंटिफिकेशन वाला काम करने लगता है. और जब आप सम के साथ काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखते हो तो वहाँ पर सम डिटर्मिनर ऑफ नंबर हो जाता है. ठीक है, तो आई हैव सम डाउट, तो यहाँ पर कोई डाउट है एक पर्टिकुलर, उसको आइडेंटिफाई किया गया है जनरल सेंस. अच्छा, मैं बोल दूं आई हैव सम डाउट्स, मतलब कुछ नंबर ऑफ डाउट्स है मेरे पास. डिड यू गेट इट? वेरी गुड. ठीक है, अब आप यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर लिख दिया ही वाज शिफ्टेड टू सम हॉस्पिटल. बाबू जब आपने यहाँ पर सम के साथ ये हॉस्पिटल सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है, अब यहाँ पर सम आइडेंटिफाई कर रहा है कोई, मतलब शहर में कोई जनरल हॉस्पिटल है जिसके बारे में आपको पता नहीं, उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है. तो ये सम बिल्कुल सही यूज किया गया है, सम और फिर अनदर नहीं लिख पाओगे. Did you get it? अब आपको ये दो बातें याद रखना है कि सम के साथ countable noun भी आप लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पर सम determiner of number noun के determiner of identification होता है general sense में. Very good. माशाल्लाह, समझ आ गया आपके. All right. They tried to look at the question. From other angle. अब आप बाबू देखो, यहाँ पर आपने एंगल नाउन लिखा है, ये एंगल नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, इसके साथ आपने अदर का यूज कर दिया, अदर का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हो. अब या तो आप यूज करते हो अनादर कर सकते हो या दादर कर सकते हो. अब आपको यूज क्या करना पड़ेगा, अनादर करना पड़ेगा, दादर क्यों नहीं करना पड़ेगा, इसकी दो वजह बता देता हूँ. देखो एक एंगल वैसे भी कहाँ से देख रहा है वो हमें पता नहीं है. ठीक है, 360 डिग्री का होता है, कोई जनरल नहीं, मतलब ये मतलब लिटरल मीनिंग में बता रहा हूँ. मेटाफोरिकल का मतलब क्या होता है बाबू, अब कोई दूसरा एंगल वो कुछ भी हो सकता है, अस्यूम कर रहे हैं, अब वो किसी भी एंगल से देख सकता है, उसका अपना खुद का पर्सपेक्टिव हो सकता है. कोई डेफिनेट होता तो आप उस एंगल को ही लिखते. ठीक है, अभी एंगल डेफिनेट नहीं है, किसी भी मतलब की पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्टिव है. ठीक है, हाँ रुको, अभी थोड़ा सा और रह गया, रुको बस 4-5 सवाल रह गए, मैं इसका करता हूँ.
पास थोड़ा सा रहेगा, बिल्कुल दिमाग में दर्द नहीं हो रहा, सामने बैठ जाओ। 10 मिनट की बात है ये अदर का, 3 वीडियो थोड़ी बनेगी इस पर, 2 वीडियो में हमें इसको कंप्लीट करना था। ऑल राइट बेटा, अब दो तीन सवाल और देखते हैं, फिर उठा छुट्टी, टाटा। इफ आयन रिफ्यूजेस गेट अनदर पर्सन टू फिक्स इट, देखो वी नीड टू बाय अनदर फर्नीचर फॉर अवर न्यू ऑफिस। देखो इफ आई आर रिफ्यूज गेट अनदर पर्सन टू फिक्स इट, बाबू आपने यहां पर अनदर का यूज किया, अब मैं आपको कुछ और बताता हूं, देखना देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंट He didn't help me, but helped another person. ठीक है, एक और लिखती हूँ, I don't like coffee. Get me another thing, है ना? बाबू आपने लिखा I don't like coffee, get me another thing. Say for example बाबू, मान लो कि ये कॉफी है, आपने ये कॉफी है और ये कोई एक दूसरी चीज, बाबू आपने कॉफी को ड्रिंक कर लिया, अब आप किसी दूसरी चीज को मांगना चाह रहे हो, मतलब ये आपने कॉफी पी ली अच्छे तरीके, अच्छा बाबू ये कॉफी है, कॉफी आपने पी ली, अब आप कुछ और चीज मांग रहे हो, अब बोलोगे अनादर थिंग, क्या चीज? अनादर थिंग। अच्छा एक केस ये है बाबू, ये कॉफी थी, आपने कॉफी नहीं पी, आप कुछ और चीज मांग रहे हो, अब इसको बोलोगे समथिंग एल्स, क्या चीज? समथिंग एल्स, समथिंग एल्स मतलब सब्स्टिट्यूट, क्या? सब्स्टिट्यूट। अब आपने कॉफी पी ली, अब आप कोई दूसरी चीज मांग लो, अनदर थिंग हो गया। आपने कॉफी पी नहीं, कुछ उसकी जगह कुछ और मांग रहे हो, समथिंग एल्स, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट। अब आप यहाँ पर अनदर नहीं बोल पाओगे, अनदर अदर और द अदर का यूज आप तभी करते हो व्हेन यू हैव टू रेफर समथिंग एडिशनल। अब यहाँ पर तो आपने कॉफी तो पी ही नहीं है, अब आप अनदर का यूज कैसे कर सकते हो? तो आप समथिंग एल्स बोलोगे। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब ऊपर आ जाओ, इफ आई एम रिफ्यूजिंग गेट अनदर पर्सन टू फिक्स इट, अब बाबू आपने अनदर पर्सन का यूज कर दिया, अनदर अदर और द अदर का यूज अब तब करते हो जब आपको कुछ एडिशनल इंट्रोड्यूस कराना हो, एडिशनल। अब बाबू आप इस सेंटेंस में बोल लो कि आयान मना कर दे, जब आयान मना कर देगा तो फिर आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे ना, तो समवन एल्स, यहाँ पे पर्सन है तो समवन एल्स कर दो, समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूट ऑफ आयान। बाबू अनदर पर्सन आप तब लिखते जब आयान भी काम करता और कोई और भी करता, अब यहाँ पर आयान ने रिफ्यूज कर दिया, अनदर अदर और दादर का यूज अब तब करते हो व्हेन यू हैव टू रेफर समथिंग एडिशनल, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द राउंड दैट इज ऑलरेडी मेंशन। अब यहाँ पर जैसे मैंने केस बताया, आपने कॉफी पी ली, अब कुछ और मांग रहे हैं, अनदर थिंग, आपने कॉफी पी नहीं और कुछ मंगा रहे हो उसकी जगह पे, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स या समवन एल्स, मतलब थिंग एल्स, समथिंग आ जाएगा। डिड यू गेट इट? वेरी गुड। ठीक है एक और देखना बाबू इसको, Alina was absent. Alina was absent. So we get another person to solve the problem. अब आप बाबू लिख लो, Alina was absent, so we get another person to solve the problem.
अब अलीना एब्सेंट थी, उसके बाद आप लिख लो गेट अनदर पर्सन। बाबू अदर, अनदर और दादर का यूज आप करते हो समथिंग एडिशनल के लिए। अब जब अलीना एब्सेंट है तो अब आप इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे ना समवन एल्स, समवन एल्स के लिए लिखना क्योंकि पर्सन है, समवन एल्स। ये चीज आपके समझ में आई? अलीना वाज एब्सेंट सो वी गेट ओ माय गॉड वी तो हम लिखेंगे, सो वी गेट समवन एल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, एक और देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अदर, दादर, अनादर, ईच अदर, वन अनादर, अदर्स, ये सब पूरा हो जाएगा। फिर अगले क्लास में इंशाल्लाह हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटरमिनर का ही। तब तक एक सवाल और है, अदर, अदर्स, अनादर, द अदर कांट हेल्प यू, can't help you। अब आपने ये लिखी, ये चार ऑप्शन इनमें से एक चूज करना है। अब can't help you, आपने ये प्रेडिकेट लिखा, ये लिखा प्रेडिकेट। अब आपको चाहिए सब्जेक्ट, सब ये तो डिटरमिनर है और अनादर भी डिटरमिनर है, द अदर भी डिटरमिनर है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अदर होता है, अदर, अदर्स can't help you। ऑल राइट डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।